हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और अभी सुबह का टाइम हुआ है 7। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो ये पराठा, मैंने एक पराठा बनाया है और चाय। तो अब मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी टाइम हो गया है 8। तो मम्मी जी जो है पार्क से घूम कर आ गई हैं। तो जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि मम्मी जी से बात कराएं, तो आज मैं आप लोगों की मम्मी जी से बात कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहू आस पास सबकी सेवा कर रही है और पूरा ध्यान रखती है, सबका दवाई गोली टाइम से देती है और पूरा जिम्मेदारी उठा ली है उसने। आप सबका बहुत प्यार मिल गया आस पास का, और क्या नाम है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अभी बेटू जा रहा है स्कूल, बाय, चलिए आओ जाओ जाओ। तो अब टाइम हो गया है 8:30, बेटू चली गई है स्कूल। तो अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज मैं खाने में दाल बनाऊंगी और जो फली होती हैं उसका मुझे नाम नहीं पता, इसलिए मैं वो फली बना रही हूँ। और आज मैं मीठा बनाऊंगी क्योंकि मीठा खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए आज मैं मीठे में बना रही हूँ बेसन का हलवा। और वैसे भी एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन अब्दुल का भी, उन्होंने भी बोला था कि आप इसकी रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं वो हलवा बनाऊँगी बेसन का हलवा, तो जिससे आप लोगों के साथ में वो रेसिपी शेयर करूँगी। तो अभी पहले मैं बना लेती हूँ खाना, फिर उसके बाद बनाऊँगी हलवा।
खाना मेरा बन गया है, अब मैं बना रही हूँ हलवा। तो हलवे के लिए मैंने घी लिया है और घी में ये एक कटोरी बेसन डालूंगी और इसको कलर चेंज होने तक भून लेना है अच्छे से। इसमें मैंने अभी घी कम डाला है क्योंकि मैंने जो मावा निकाला था मलाई में से वो मैं यूज करूंगी, तो उसमें भी घी है इसलिए मैं घी अभी इस टाइम पर मैंने कम डाला है। ये है वो मावा जो मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि बेसन जो है अच्छे से भून गया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है बेसन में। इस टाइम मैंने गैस का फ्लेम स्लो रखा है, इसको मैंने फ्रीज में रख दिया था तो ये जम गया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी गैस को, क्योंकि धीरे धीरे जब इसको मिक्स करेंगे तो बेसन ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो अब मावा जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसमें मैंने आधा बाउल चीनी डाली है और इसको भी मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। और जैसे मैंने एक बाउल बेसन लिया था तो एक बाउल ही इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसमें जल्दी उबाल आया इसलिए मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हलवा बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये देखिए हलवा जो है बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि इसने कढ़ाई छोड़ दी है। तो इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी और जब हलवे में घी अच्छा सही हो, बिल्कुल मात्रा में होगा, तो हलवा जो है अपने आप ही बर्तन छोड़ देगा। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल दूंगी। तो ये है खाना आज का लंच। तो ये है बेसन का हलवा और फली की सब्जी, मूंग मसूर की दाल और रोटियां। आज का मेरा लंच बनकर तैयार हो गया है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और जो मेरा काम था सारा हो गया है और मैंने नहा लिया है, क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ तो किचन में काम करने के बाद खाना बनाने के बाद डायरेक्ट मैं नहाती हूँ, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी का भी 7th मंथ चल रहा है और इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं सीधा बस नहाने जाती हूँ। तो इसलिए अब मैं नहा कर जो हूँ ऊपर आ गई हूँ। तो अभी बेटू भी आ गई है, अभी बेटू सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए जाती है स्कूल, क्योंकि उसकी जो पढ़ाई है वो 1 तारीख के बाद शुरू होगी और यूनिफॉर्म वगैरह भी जब ही से पहन कर जाना है, तो अभी वो सिंपल कपड़ों में जा रही है और सिर्फ उस वो जो प्ले रूम रहता है उसमें खेलने के लिए जा रही है। तो 2 घंटे बाद वो जो है लौट कर आ गई है और अब मैं उसको खाना खिलाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पूरा करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन क्लिक ज़रूर करें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।